अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें। इसमें CBSE NCERT की क्लास 8 है और क्लास 7 है राजस्थान बोर्ड का। ये चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल का, और वर्ग और वर्गमूल के बारे में इसमें बताऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात करने में एक एक अंक ज्ञात समान बतानी। अगर इसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा? अब आपको बिना कोई हल किए करना है, तो पीछे एक दे रखा है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो पीछे एक इसके होता है, इसके भी एक है और इसके भी एक है। तो अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? एक भी आ सकता है और नौ भी आ सकता है, जैसे ये बताया हुआ है। ये तो है वर्ग, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक या फिर क्या आएगा? नौ आएगा। वर्ग याद करना हो तो एक आएगा, लेकिन वापस से वर्गमूल निकालना है, मतलब पीछे एक है वापस से वर्गमूल निकालना है, तो आप कितना आएगा? अगर पीछे एक है तो एक है तो एक भी आ सकता है और एक है तो नौ भी आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपके? एक या फिर नौ। हमें स्क्वायर रूट याद करना है, स्क्वायर रूट में बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। पहले सिक्स है दे रखा है, तो सिक्स का आता है आपके फोर में भी होता है, इसमें भी होता है। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फोर, और इसका निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आ जाएगा? सिक्स। तो आंसर फोर भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता है। इसका आंसर फोर भी आ सकता है या फिर सिक्स भी आ सकता है। पीछे वन सेम इसकी तरह ही, या तो आएगा वन या आएगा आपकी नाइन, वन या नाइन में से कोई एक आपके आ सकता है। नेक्स्ट फाइव है, पीछे फाइव तो स्क्वायर रूट निकालने पर भी क्या आएगा? फाइव ही आता है। ये रहा फाइव है तो फाइव ही आएगा, फाइव से फाइव ही आता है। स्क्वायर करें चाहे स्क्वायर रूट निकालें, आंसर वो सेम रहता है। अगला है कि वास्तव में ये पूर्ण संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है बताना है, बिना गणना की आपको बताना है या नहीं। तो मैंने इसके लिए पहले भी बता रखा है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ऐसे हो तो वह हमेशा कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे यहाँ पर इसमें भी तीन है, क्या लिखोगे यहाँ पर? इसमें इकाई का अंक कितना है आपके? तीन, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। फिर ये वाला, इसमें इकाई का अंक कितना है आपके? सेवन, ये दो तीन सात आठ आए तो नहीं होना चाहिए, अतः यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें लास्ट अक्षर एट है, ये भी नहीं है। इसमें लास्ट अक्षर एक है, और एक देखो एक तो आता है पीछे, यहाँ आपके दो पाँच सात आठ और सिंगल जीरो नहीं मिले, क्या लेंगे? अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप कहो मैं तो यहाँ पर 21 लिख दूँ या 31 लिख दूँ या 51 लिख दूँ तो होगी नहीं होगी? देखो आपको केवल बिना गणना के ही बताना है, तो इसमें केवल छोटे छोटे रूल्स का ही ध्यान देना है। इसमें आपको इतना हल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल बहुत छोटा है, कक्षा 7th 8th का है, तो इसमें आपको ज़्यादा आपको ऐसे ही इसी प्रकार से ही लिखकर आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल याद करना है, और घटाते रहना है तब तक जब तक इसका मान क्या नहीं रहता, आपके जीरो नहीं आता तब तक घटाना है। जैसे 100 दे रखा है, 100 में से पहले घटाएंगे 1। हमें घटानी है लगातार विषम संख्याएं घटानी है, और आंसर को लेके आना है आपको जीरो। जैसे एक के बाद तीन, फिर पाँच, फिर सात, ऐसे घटाना संख्याओं को। 100 में से एक गया 99, अब ये 99 यहाँ आ जाएगा। 99 माइनस 3 96, माइनस 5 91 माइनस 7 84 माइनस 9 ये आ जाएगा आपके 75 माइनस 11 ये आ गया 64 माइनस 13 ये आ गया 51 माइनस 15 तो ये आ जाएगा आपके 36 माइनस 17 ये आ गए हैं 19 माइनस 19 ये आ गया 0। तो कभी न कभी 0 आएगा, तो ऐसे लिखना है आपको लगातार विषम संख्याएं घटाने पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3
नंबर चार, नंबर पाँच, नंबर छः, नंबर सात, नंबर आठ, नंबर नौ और नंबर दस। आप चाहो तो एक दो तीन चार सिंपल भी लिख सकते हो, आपको ये नहीं आता है तो लगातार इसमें घटाने पर दसवें नंबर पर दस यहाँ लिखते दसवीं बार में उत्तर जीरो आया, अतः सौ का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके दस। जितनी बार जीरो आएगा ना उतने उत्तर, दसवीं बार में आया है तो दस उत्तर हो जाएंगे। अब यहाँ पर वापस करेंगे, फर्स्ट करेंगे पहले 169 माइनस एक 168, 168 माइनस तीन 165, 165 माइनस पाँच ये हो जाएगा 160, 160 माइनस सात 153, 153 माइनस सात 146 और 146 माइनस या नौ घट नौ माइनस करना था तो आता है 144। अब नौ के बाद घटाना है 11, फिर 13, फिर 15, ये ध्यान रखना है। ये घटाएंगे तो आएगा आपके 135। 135 में से गए आपके कितने, 135 में से घटाओ आप, ये आता ना 11 घटाएंगे तो 144, 144 में से घटाएंगे हम 11 तो ये आएगा आपके 133, 133 में से जाएंगे 13 तो आएगा 120, 120 में से गया 15 तो पीछे बच गया आपका कितना 105, 105 में से घटाएंगे हम ये है सातवीं बार, फिर ये है आठवीं बार, फिर ये है नौवीं बार, 105 में से घटाएंगे हम 17 तो 17 घटाएंगे पीछे बच जाएगा 85, फिर दसवीं बारी 85 में से घटाएंगे हम 19 तो 15 में से 9 गए 6, 7 में से 1 गया 6, फिर 11वीं बार में हम घटाएंगे 66 माइनस 21 तो पीछे बच जाएगा आपके 45, फिर वापस और घटाएंगे 12वीं बार में 45 माइनस 23 पीछे बच गया है आपके कितना, 5 में 3 गया 2, 6 में से 1 गया कितना 5, ये 17 घटाएंगे तो पीछे बचेगा आपके 88, 3 ज़्यादा बचे, यहाँ भी 3 ज़्यादा बचेंगे क्योंकि 88 यहाँ आएगा, 18 में से 9 गया 9, फिर वापस से हम 9 यहाँ लेंगे, 9 में ये घटाएंगे तो पीछे बचेगा आपके 48, 48 में 23 गया पीछे 25 बचा, 25 माइनस 25 पीछे आ जाएगा आपके 0, तो यहाँ लिखना है आपको 13वीं बार में आंसर 0 आया है, अतः 169 वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके 13। अब है अगला क्वेश्चन है, किस संख्या से गुणा करें ताकि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे पहले दे रखा है 252, पहले यही करते हैं, इसमें भाग जा रहा है 2 का 126 बार, फिर 2 का भाग दो 63 बार, फिर 3 का भाग दे तो 21 बार, फिर 3 का भाग दे तो 7, फिर 7, क्या लिखोगे, 252 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि इसमें 7 का युग्म नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है। अगर हम 7 से गुणा करे तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये तो क्वेश्चन था। इसको अगर हम 7 से गुणा कर लें, ये पैर तो बन गया, ये पैर बन गया, ये वाला जोड़ा नहीं बना, इसीलिए अब इसको उत्तर भी निकालने हो तो निकाल सकते हैं, 2 × 3 × 7, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42। अगर पूछे, ये तो मैंने गुणा कहा तो एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, यह क्या लिखोगे, अगर पूछ ले भाग के बारे में
कि किस संख्या से भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यहाँ लिखना है कि इसमें सात का जोड़ा नहीं है, तो क्या करो, अगर हम सात का भाग दे दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। भाग देने पर क्या आएगा, ऐसा ये इंटू तीन इंटू तीन इंटू सात है, इसको सात का भाग दे देंगे, सात सा कट जाएगा, तो जोड़े बन जाएंगे ये और ये, दो दूनी दो इंटू तीन बराबर उत्तर आएगा आपके छः। देखो अगर भाग का कहे तो सात उत्तर है, गुणा कहे तो भी सात उत्तर है। गुणा करने पर तो आपको संख्या एक्स्ट्रा जोड़ा बनाना है, भाग कहे तो एक्स्ट्रा जोड़े को हटाना है, ये ध्यान देना है। तो सवाल गुणा का भी पूछ सकते हैं और भाग का भी पूछ सकते हैं। भाग का पूछे तो आपको वही जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसी को ही लिखेंगे आंसर में, और गुणा कहे तो वही जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से गुणा कर कर बनाएंगे। एक और देखते हैं, 180 का देखते हैं। ये हो गया है आपके 180, दो का भाग देंगे 90, फिर दो का भाग देंगे 45, फिर तीन का भाग देंगे 15, फिर तीन का भाग देंगे 5, फिर 5। तो अगर आपसे पूछे किससे गुणा करें तो लिख सकते हैं 5 का युग्म नहीं है, अतः इसको 5 से गुणा करें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर आप पूछे कि किससे भाग करें तो यही चीज आपको लिखनी है, और आपको लिखना है 5 से भाग करें, दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो ये लिखना है या फिर ये, दोनों में से कोई एक लिखना है। किससे भाग करें तो भी 5 है, और किससे 5 से भाग करें तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो मैं पांचवा छठा क्वेश्चन दोनों साथ में बता रहा हूँ इसमें, जैसे और दे रखे हैं 1008, दो का भाग दो 5 बार, 0 बार, 4 बार, फिर दो का भाग 2 बार, 5 बार, 2 बार, फिर दो का भाग 126, ये भी बताया उस टाइप का आ गया, फिर दो का भाग तो ये आ जाएगा आप कितना 53, फिर तीन का भाग देंगे 63, फिर 21, फिर तीन का देंगे 7 और 7। सेम क्वेश्चन ये लिखना है कि इसमें 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः संख्या क्या होगी, 7 से गुणा करने पर संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। या फिर भाग का कहे तो 7 से भाग देने पर संख्या बन जाएगी आपके पूर्ण वर्ग। तो गुणा कहे तो गुणा लिखना है, भाग कहे तो भाग लिखना है, ये ध्यान देना है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2400 रुपये दान दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी है, मतलब अगर कक्षा में 10 विद्यार्थी है तो 10 जनों ने पैसे 10 रुपए दिए, 10 रुपए इकट्ठे किए, 40 विद्यार्थी है तो 40 रुपये इकट्ठा किए, ऐसे हमें बताना है कि कितने विद्यार्थी कक्षा में, ऐसे मानना है। माना कक्षा के विद्यार्थी हमने मान लिए हैं एक्स, और अब कक्षा में विद्यार्थी है तो बताओ दान कितना दिया है, दान भी एक्स ही देंगे, जितने विद्यार्थी उतने ही दान मिलेगा। अब प्रश्नानुसार विद्यार्थियों की संख्या इंटू दान, कुल मिला के आपको मिला है 2401 रुपये मिला है, विद्यार्थी एक्स दान भी एक्स, तो कुल मिला है आपको 2401 रुपये, गुणा कर लेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2401 रुपये, स्क्वायर हट गया, यहाँ लग गया आपके स्क्वायर रूट, उसका आंसर निकालेंगे ऐसे। पहले भाग देंगे, पहले पीछे एक आ रहा है, वन आ रहा है, तो 7 का डिवाइड कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मालूम है किसका है ये स्क्वायर रूट, ये है 49 का स्क्वायर रूट है, तो 7 का डिवाइड जाता है, कम से कम आपको जितने हो सके 20 30 25 तक आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है कि ये 49 का होता है तो हम पहले 7 का लेंगे, इसमें से डिवाइड जाएगा 3 टाइम, फिर 3 बच जाएगा तो 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर देंगे हम 7 का 4 टाइम 9 टाइम, फिर 7 का देंगे 7 टाइम, फिर 7 का 1 टाइम, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7,
स्क्वायर रूट ये हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा देते हैं, फिर एक्स का वैल्यू आएगा आप कहते ना इसमें से एक सेवन और इसमें से एक सेवन 49। इसका मतलब कक्षा में जो विद्यार्थी है वो कितने स्टूडेंट कितने हैं 49 और एक ने रुपए दिए 49। ऐसे ऐसा ही सेम इधर भी है, एक बाग में 2025 पौधे हैं, तो इस प्रकार है जितनी पंक्तियाँ उतने ही पौधे, सेम इसी तरह ही पंक्ति संख्या क्या, पंक्ति और पौधे दोनों याद करने तो लिखना है माना पंक्तियां, तो पंक्तियां हो गई है आपके x, तो पौधे भी कितने हो जाएंगे आपके x हो जाएंगे। अब हमें कुल पौधे याद करने, प्रश्नानुसार जितनी पंक्तियां हैं और जितने पौधे हैं दोनों को गुणा करेंगे तो कुल पौधे आ जाएंगे आपके 2025 पौधे, पंक्तियां x पौधे भी हैं x, तो ये हो जाएगा 2025, एक्स स्क्वायर बराबर 2025। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, ये है 45 का स्क्वायर रूट है। फाइंड करना है तो पहले 3 का डिवाइड करो, आता है तो ठीक है नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद में शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अगले चैप्टर में भी है आपके। पहले 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 6 टाइम, फिर जाएगा 7 टाइम और फिर 5 टाइम, फिर करेंगे 3 का डिवाइड तो ये जाएगा 2 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 3 का करेंगे तो 7 टाइम 5, फिर 3 का 25, फिर 5 का 5, फिर 5 1। एक्स का वैल्यू आएगा 3 × 3, 3 × 3, 5 × 5, 1 पैर, सेकंड पैर, थर्ड पैर, 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। टोटल जो पेड़ लगे हैं 45 एक ही लाइन में, और जो लाइन्स दे रखी हैं पंक्तियां हैं वो भी कितनी हैं आपके 45 है, 45 है। अब हमें वह संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 4 का भाग भी जाए, 9 का भाग भी जाए और 10 का भाग भी जाए। ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले देखो सबसे छोटी से पूछिए, सबसे छोटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा लसपक ज्ञात करना पड़ता है। हम क्या लेंगे 4, 9 व 10 का लेंगे हम मसप, लसप लेंगे, लघुतम समापति लेंगे 4, 9 और 10। पहले 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें 5 बार जाएगा, तीनों संख्या अलग अलग है। फिर 2 का देंगे 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं, फिर 3 का देंगे 1 बार, 3 बार, फिर 5 बार, फिर 3 का देंगे तो 1 बार, 1 बार, 5 बार, फिर 5 का देंगे 1, 1 और 1, तो उत्तर आया है आपके 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये वाला पैर बन गया, ये वाला पैर बन गया, ये संख्या पूर्ण संख्या है नहीं, तो क्या करेंगे हम इसका पैर कंप्लीट करेंगे 5 से गुणा करके, तो ये आ जाएगा 2, ये कितना हो गया 2 × 2 = 4, 4 ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 और ये 25, 25 × 100 × 9 ये हो जाएंगे आपके 900। इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 30 आएगा, ये देखो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, और इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। और ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है, 9 कब जाता है, 10 कब, इसमें 4 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 9 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा, और इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इससे छोटी कोई संख्या है ही नहीं, ट्राई कर सकते हैं आप, इससे छोटी कोई संख्या नहीं, अगर होगी भी तो ये संख्या हो सकती है, लेकिन उसमें फिर आपके वर्गमूल, इसका वर्गमूल लिखना ज़रूरी है, वर्गमूल भी निकले और साथ में इसका भाग भी जाना चाहिए। जैसे यहाँ दे रखा सेम, यहाँ दे रखा 8, 15, 20 दे रखा, हम लेंगे 8, 15 और 20 का ले लेंगे, मस्त लसफ ले लो, 2 का भाग दो 4 बार, 15 बार जाएगा नहीं, इसमें कितनी बार जाएगा आपके 10 बार, फिर 2 का 2 बार, 15 और 5, फिर 2 का देंगे 1, 15 और 5, फिर 5 का देंगे 1, 3, 1, फिर 3 का देंगे 1, 1, 1, तो ये हो गया है 2 × 2 × 2 × 5 × 3, ये जोड़ा बन रहा है। अब ये जोड़े बन नहीं रहे, हम क्या करेंगे,
इसी को वापस गुणा कर लेंगे 2 × 5 × 3, ताकि ये भी जोड़ा बन जाए, ये भी जोड़ा बन जाए, ये भी जोड़ा बन जाए और ये भी जोड़ा बन जाए। पूर्ण संख्या होनी जरूरी है। तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, 25 × 16 होते हैं 400 × 9, ये हो जाएगा 3600। ये ऐसी संख्या है जिसके अंदर 8 का 15 का 20 का भाग जाता है और इसका वर्गमूल भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम।